हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेवेंथ मॉड्यूल ऑफ द ऑप्शन पे ऑफ सीरीज। टुडे वी आर गोइंग टू डू बुल पुट स्प्रेड्स एंड हाउ आर द ग्राफ्स ऑफ बुल पुट स्प्रेड्स डिटरमाइंड। ओके, बुल पुट स्प्रेड्स करेंगे आज। अगेन बेसिक, यप, ऑल द प्रॉफिट लाइन, ऑल द निफ्टी लाइन, जीरो, पॉजिटिव साइंस, नेगेटिव साइन, द स्ट्राइक्स एंड द गोल्डन रूल, राइट। सो नाउ बुल पुट स्प्रेड क्या होता है? वॉट इज अ बुल पुट स्प्रेड? अ बुल पुट स्प्रेड इज अपोजिट ऑफ अ बेयर पुट स्प्रेड। अरे वाह, इतना इजी। हाँ, इतना इजी है, बट देन इन अ बेयर पुट स्प्रेड यू बाय एन एटीएम ऑप्शन और यू बाय एन एटीएम पुट और यू बाय अ पुट एंड यू सेल अ लोअर स्ट्राइक प्राइस पुट, राइट। आप एक पुट को बाय करते हो और लोअर स्ट्राइक प्राइस पुट को सेल करते हो। ऊपर की पुट को बाय, नीचे की पुट को सेल। ओवर हियर व्हाट यू डू इज यू सेल अ हायर स्ट्राइक प्राइस पुट एंड यू बाय अ लोअर स्ट्राइक प्राइस पुट। ओके, दैट इज यू बाय एन ओटीएम पुट। नीचे की पुट को बाय करोगे, ऊपर की पुट को सेल करोगे। एटीएम पुट को सेल किया, ओटीएम पुट को बाय किया। गॉट द पॉइंट? ठीक है, अगेन सेम एग्जाम्पल। 11,400 की पुट को बाय करेंगे, 11,450 की पुट को सेल करेंगे। ठीक है, 11,400 इज द लोअर स्ट्राइक, 11,450 इज द हायर स्ट्राइक, राइट। नाउ अगेन वील डू आर बेसिक गोल्डन रूल। 11,400 पीई बाय बाय डेबिट डेबिट नेगेटिव, जीरो के नीचे लाइन बनाओ, राइट। एंड हाउ डिड दिस लाइन कम? Because if Nifty falls to the left side, if Nifty falls, that is the horizontal line goes to the left side, that is the put option will rise, the premium of put option will rise, that is why this graph is going towards the upside from the right to the left, from the right to the left. ठीक है, ये हो गया 43 rupees, है ना? And ये क्या हो गया? Strike price हो गई? Yes. Now ये 43 rupees नहीं है, ओके, सो दिस इज -43 rupees, राइट। जीरो के नीचे आएगा ये, राइट। एंड सो नाउ द सेकेंड ऑप्शन, 11,450 पुट सेल। सेल मीन्स क्रेडिट, क्रेडिट मीन्स पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब जीरो के ऊपर लाइन बनाएंगे, 65 rupees, राइट। एंड नाउ जितना मार्केट नीचे जाएगा, दैट इज जितना मार्केट लेफ्ट साइड जाएगा, द हॉरिजॉन्टल लाइन इफ इट गोज टू द लेफ्ट, देन दिस लाइन वुड फॉल बिकॉज यू आर सेलिंग अ पुट ऑप्शन। ओके, सो नाउ अगेन विच इज दिस पॉइंट, 11,450। व्हाई? बिकॉज यहां से पुट की प्रीमियम बढ़ना चालू हो जाएगी, राइट। एंड यू हैव सोल्ड इट, तो फिर आपको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। सो नाउ वेर आर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्टिंग? योर गोल्डन रूल क्या था? वेर एवर द लाइन्स इंटरसेक्ट, अपन वहां पर एक लाइन बना देंगे, राइट। यहां पर अपन ने एक लाइन बना दी। नाउ इन दिस ऑप्शन 11,400 पीई अपन को अनलिमिटेड प्रॉफिट हो रहे थे, एंड 11,450 पीई नीचे की साइड पे अपन को अनलिमिटेड लॉस हो रहे थे। सो दीज टू गेट नेट एंड वी गेट अ फ्लैट लाइन। ठीक है, एक फ्लैट लाइन मिल गई अपन को। सो नाउ वील इरेज दीज टू लाइन्स, एंड अगेन अपन क्या करेंगे, ये लाइन को 11,400 तक खींच देंगे, राइट। खींच दी, अब क्या करेंगे, ये लाइन और ये लाइन को टच कर देंगे, राइट। वील टच दीज लाइन्स, एंड नाउ दिस इज 11,450, दिस इज 11,400। ओके, सो दिस इज द बेसिक ग्राफ ऑफ अ बुल पुट स्प्रेड। ठीक है, नाउ what we'll do is we'll determine the maximum profit, the maximum loss and the break even, right? What will be the maximum profit in this strategy? Maximum profit in this strategy would be the credit received. अपन को net credit मिलने वाला है ये strategy में, because we are selling a higher strike price put. So what does that mean? 65 rupees minus 43 rupees, 65 का क्रेडिट, 43 का डेबिट, दैट इज इक्वल टू 22 rupees का नेट क्रेडिट। सो द मैक्स प्रॉफिट इन दिस स्ट्रेटेजी इज द नेट क्रेडिट रिसीव, विच इज 22 rupees। ठीक है, इतना समझ गए? ये हो गया -43, ये हो गया 65, तो ये दोनों को कट कर देंगे,
और हो जाएगा अपने पास 22 रुपीज। नाउ व्हेन वी गेट दिस लाइन, वी डोंट वांट दिस लाइन, राइट, तो अपन ये लाइन को हटा देंगे। ओके, नाउ वी गॉट द मैक्स प्रॉफिट, नाउ हाउ विल वी गेट द मैक्सिमम लॉस? मैक्सिमम लॉस इन दिस स्ट्रैटेजी विल इक्वल टू द स्ट्राइक डिफरेंस माइनस द नेट क्रेडिट, राइट। मैक्सिमम लॉस इन दिस स्ट्रैटेजी वुड बी 11,450 माइनस 11,400 माइनस नेट क्रेडिट विच इज 22 रुपीज विच इक्वल्स टू 28 रुपीज, दैट इज आर मैक्स लॉस। ओके, एंड नाउ वॉट इज द ब्रेक इवन ऑफ दिस स्ट्रैटेजी? द ब्रेक इवन ऑफ दिस स्ट्रैटेजी वुड बी हायर स्ट्राइक प्राइस माइनस द नेट क्रेडिट। वॉट इज द ब्रेक इवन ऑफ दिस स्ट्रैटेजी? 11,450 माइनस 22 विच गिव्स टू 11,428। तो ये जो लाइन है इसको अपन बोलेंगे 11,428। दिस पॉइंट वुड बी 11,428। निफ्टी अगर लेफ्ट साइड गया 11,428 के देन वी वुड इनकर लॉस, एंड राइट साइड गया 428 के तो अपन को प्रॉफिट होगा, राइट। सो नाउ व्हाट इज दिस बेसिक स्ट्रेटजी टेल्स अस? दिस टेल्स अस दैट इट इज अ बुल पुट स्प्रेड। बुल पुट स्प्रेड का मतलब क्या हुआ? बुल पुट स्प्रेड का मतलब ये हुआ कि मार्केट बुलिश होगा तो आपको इसमें से पैसा मिलेगा, ठीक है। हाउ मच प्रॉफिट कैन यू गेट? द नेट क्रेडिट, नेट क्रेडिट कितना है? 22 रुपीज। आपका मैक्स लॉस कितना होगा? स्ट्राइक प्राइस माइनस नेट क्रेडिट, दैट इज 28 रुपीज। ब्रेक इवन, हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस माइनस नेट क्रेडिट विच इज 11,428। रिमेंबर पिछले वाले स्ट्रेटेजी में, दैट इज द बेयर पुट स्प्रेड, उसमें भी ब्रेक इवन 11,428 था, बट इफ निफ्टी वुड हैव गॉन टू द लेफ्ट साइड ऑफ 11,428 इन द प्रीवियस स्ट्रेटेजी यू वुड गेट प्रॉफिट, बट इन दिस स्ट्रेटेजी इफ निफ्टी गोज टू द लेफ्ट साइड ऑफ 11,428 तो फिर अपन को लॉस हो सकता है, एंड वाइस वर्सा, दैट इज 11,428 के आगे गया निफ्टी ये स्ट्रेटेजी में तो अपन को प्रॉफिट होगा, एंड इफ इन द प्रीवियस स्ट्रेटेजी निफ्टी गोज टू 11,428 एंड अबाव देन यू वुड इनकर लॉस। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट मॉड्यूल।